भगवान झूलेलाल की पनाह में कामयाब है सिंधी। दोस्तों, आज हम सिंधी बिरादरी की बात करेंगे। झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर, आहा, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर। अरे भाई भाई भाई, रुकिए रुकिए, गाना बाद में गाइएगा। वैसे भी मैं अच्छा सिंगर हूं नहीं, ठीक है, डोंट माइंड। पहले अपने सिंधी भाइयों के बारे में अच्छे से ज्ञान तो ले लो, फिर और मजा आएगा गाने में। दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाले लोगों को सिंधी कहते हैं। ये हिंदू व बौद्ध धर्म का मिला जुला रूप है। जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त जो लोग सिंध प्रांत से भारत आए थे वे सिंधी कहलाए, और जो सरहद पार कर गए उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया। भारत में सिंधी लोगों की संख्या लगभग 38 लाख के करीब है। सिंधी लोगों की सबसे अधिक संख्या पाकिस्तान में है, जो कि मुस्लिम धर्म को मानने वाली है। सिंधी लोगों के भगवान झूलेलाल है। ये भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेटी चंड के रूप में मनाते हैं। बिजनेस के लिए समुद्री यात्रा करते हैं, जबकि समुद्री तूफान और समुद्री लुटेरे से जानमाल की हिफाजत के लिए सिंधी महिलाएं वरुण देवता की पूजा करती हैं। और जब पुरुष हिफाजत से घर लौट आते थे तब चेटी चंड को त्योहार के रूप में मनाया जाता था। सिंधी लोग अपने नाम के पीछे आनी शब्द लगाते हैं, जिसका अर्थ होता है अंश यानी ओरिजिन। इस शब्द से ये पता चलता है कि वो व्यक्ति किस ओरिजिन का है। सिंधी लोग व्यवसाय में बहुत कुशल होते हैं और इनकी व्यापार करने की समझ और क्षमता बहुत अच्छी होती है, तभी तो सिंधी लोग अमीर होते हैं। किसी भी धर्म के त्योहार और संस्कृति उसकी पहचान होती है। ऐसा ही पर्व है सिंधी समाज का थदड़ी। थदड़ी शब्द का सिंधी भाषा में अर्थ होता है ठंडी यानी शीतल। रक्षाबंधन के 8वें दिन इस पर्व को समूचा सिंधी समुदाय जोरों शोरों से मनाता है। मान्यता है कि हजारों वर्ष पूर्व मोहन जोदड़ो की खुदाई में माँ शीतला देवी की प्रतिमा निकली थी, जिनकी आराधना में ये मनाया जाता है। जब किसी को माता या चेचक निकलती थी तो उसे देवीय प्रकोप से जोड़ा जाता था, तब देवी को प्रसन्न कर और थदड़ी पर्व मनाकर ठंडा खाना खाया जाता था। इस त्योहार के एक दिन पहले हर सिंधी परिवार में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कुपड़, गच, कोकी, सूखी तली हुई सब्जियां, भिंडी, करेला, आलू, रायता, दही बड़े, मक्खन आदि। आटे में मोयन डालकर शक्कर की चाशनी से आटा गूंथकर कुपड़ बनाए जाते हैं। मैदे में मोयन और पिसी इलायची व पिसी शक्कर डालकर गच का आटा गूंथा जाता है। अब मनचाहे आकार में तलकर गच तैयार किए जाते हैं। रात को सोने से पूर्व चूल्हे पर जल छिड़क कर हाथ जोड़कर पूजा की जाती है। इस तरह चूल्हा ठंडा किया जाता है। दूसरे दिन पूरा दिन घरों में चूल्हा नहीं जलता, एक दिन पहले बनाया गया ठंडा खाना ही खाया जाता है। इससे पहले परिवार के सभी सदस्य किसी नदी, नहर, कुएं या बावड़ी पर इकट्ठा हो जाते हैं। वहां माँ शीतला देवी की विधिवत पूजा की जाती है। इसके बाद बड़ों से आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तोहफे के आदान प्रदान के अलावा थदड़ी पर्व के दिन बहन और बेटियों को खास तौर पर मायके बुलाकर इस त्योहार में शामिल किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, माता के इंजेक्शन बचपन में ही लग जाते हैं, परंतु दैवीय शक्ति से जुड़ा थदड़ी पर्व हजारों साल बाद भी सिंधी समाज का प्रमुख त्योहार माना जाता है। सिंध को हमसे बिछड़े हुए 70 बरस हुए। इन 70 सालों में ये एहसास ही नहीं हुआ कि हमने सिंध को कब खो दिया, जबकि सिंधियों की 2 पीढ़ियां आ गई। पर सिंध और सिंधियों के पलायन के बारे में हम अब भी ज्यादा कुछ नहीं जानते। बंटवारे का सबसे ज्यादा असर जिन 3 कौमों पर पड़ा, उनमें पंजाबी, बंगाली और सिंध थे। पर सिंधियों के प्रांत का विभाजन नहीं हुआ था, बल्कि उनसे पूरा का पूरा प्रांत छीनकर उन्हें बेघर और अनाथ कर दिया गया। भारत में सिंधियों ने बिना किसी मदद मांगे अपनी मेहनत से नई नई ऊंचाइयां छू ली थी, जबकि बंटवारे के वक्त सिंध का माहौल पूरे देश से अलग था। वहां ना तो कोई कौमी दंगे थे, ना हिंदू मुसलमान के बीच नफरत का माहौल। 1947 को माउंट बैटन ने भारत की आजादी की घोषणा की, तब बिहार, दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता समेत तमाम जगहों पर कौमी दंगे चल रहे थे, पर सिंधी हिंदू अपने सिंधी मुसलमान भाइयों के साथ अमन और मोहब्बत के साथ रहे। शांति और भाईचारे की वजह से सिंधियों को लगा कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंध में कौमी दंगे न होने की 2 वजहें थी। पहली, सिंधिया का सूफियाना शांत स्वभाव। सिंधु नदी के पानी में शायद मोहब्बत की तासीर है,
कि सिंध में हिंदू और मुसलमान 1100 साल तक साझा बोली, साझी तहजीब के साथ प्रेम से रहे। बेशक धर्म अलग था, पर सिंधियों ने उसका भी तोड़ कर लिया था। सूफी दरवेशों ने सिंध को भक्ति और इबादत का एक साझा रास्ता दिखाया, जहां हिंदू मुसलमान बगैर अपना धर्म छोड़े साथ साथ इबादत कर सकते थे। 1948 में कराची में जब दंगा हुआ, तब सिंधियों का पलायन शुरू हुआ, परंतु तब भी वो घर की चाबियां पड़ोसियों को देकर आ गए कि माहौल ठीक होते ही हम लौट आएंगे। ये सिंध से जुदा नहीं होना चाहते थे। सिंध से भारत आने के दो रास्ते थे, पहला रेलगाड़ी द्वारा रेगिस्तान और दूसरा कराची से समुद्र के रास्ते मुंबई या जामनगर। 12 लाख सिंधी जोधपुर के स्टेशन और मुंबई के बंदरगाह से बाहर निकलते ही जैसे एक नई दुनिया में आ गए थे, जहां की न बोली उन्हें समझ आती थी और न रहन सहन पता था। अब एक अजनबी देश में अजनबी लोगों के साथ एक अजनबी भाषा में उन्हें अपनी रोटी कमाने की जुगाड़ करनी थी। जाहिर है कि इसी जद्दोजहद में उन्हें अपना साहित्य, भाषा, गीत, खानपान और तहजीब की कुर्बानी देनी थी। महाराजा कच्छ ने 15,000 एकड़ जमीन सिंधु रिसेटलमेंट कॉरपोरेशन को दान में दी, पर सिंधियों की बदनसीबी कि अचानक सरकार ने राजाओं द्वारा संपत्तियां रिश्तेदारों को दान देने से बचाने के लिए दान पात्र कानून बनाकर इसे अमान्य करार दे दिया। फिर कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते इतना वक्त बीत गया कि इस बीच सिंधी भारत के अलग अलग जगहों पर बस गए। सरहद पार के एक लेखक ने बहुत ही खूबसूरत बात कही, सिंध किसी मेले में भारत के इतिहास की उंगली से छूटकर गुमा हुआ बच्चा है, जिसके मिलने की आस हर दिन के साथ और धुंधला जाती है। दोस्तों, अगर 70 साल पीछे जाने के लिए कोई सड़क मिल जाए, तो वहां जाकर पलट के जब वापस आएंगे तो एहसास होगा कि सिंध के साथ साथ हमने बहुत कुछ खो दिया। आपके जहनो दिल इस वक्त क्या सोच रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। खैर, भगवान झूलेलाल का सिंध के लोगों पर बहुत करम है। चलिए अब हम आपके सुर मिलाते हैं, फिर से गाइए, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर। ओहो, विदा, जय हिंद, वंदे मातरम।